आज का ये दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये इलाका कुरुक्षेत्र का इलाका और कुरुक्षेत्र की ये 48 कोस में फैली हुई एक पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में ऐसे दर्जनों तीर्थ क्षेत्र हैं जिनका अपना अपना सबका इतिहास है। सगा गांव के इस तीर्थ का, जिसको विमलसर तीर्थ कहते हैं, इसका अपना इतिहास है। यहां पर पौराणिक साहित्य में लिखा है कि वामन पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। और मैं मानता हूं कि यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए लोग यहां जरूर आते होंगे, लेकिन मन में विचार है क्या कि इस प्रकार के दर्जनों तीर्थ जो हैं, 100 से ज्यादा जो तीर्थ हैं इन 48 कोस में, वो बहुत समय से जिसको महाराज जी उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया किसी का। इसकी ओर ध्यान करने के बाद ध्यान में आया कि हम क्यों नहीं इन सब तीर्थों का विकास कराएं। और विकास कराने के बाद एक परिक्रमा जो पहले कभी शायद पैदल तीर्थ यात्री करते होंगे, आज के युग में पैदल तीर्थ यात्री यात्रा करेंगे ना करे, लेकिन हम बसों की व्यवस्था करके ऐसे तीर्थ यात्रियों को कुरुक्षेत्र के साथ जोड़ते हुए एक बड़ी यात्रा, एक बड़ा मार्ग ऐसा सुनिश्चित कराएंगे। अभी पिछले कुछ महीने पहले मुझे कुरुक्षेत्र जिले के और कुछ उसमें कैथल के भी 2-3 तीर्थ थे, ऐसे 14 तीर्थों पर जाने का मौका मिला। बहुत ही उत्साह मिला, बड़ा एक प्रकार से प्रेरणा उन तीर्थों से मिली। हमने वहां बसें चलाई, 2 बसें कुरुक्षेत्र से चल करके और फिर वापस कुरुक्षेत्र आती हैं, एक सुबह एक शाम। और मैं समझता हूं पूरी यात्रा में बहुत लोगों ने अब उसका आनंद लेना शुरू किया है। इसी प्रकार से आज करनाल जिले के 13 तीर्थ स्थानों को छाटा गया है, जिस पर दिन भर मैं आज जाऊंगा। और दिन भर जाने के बाद वहां के छोटे मोटे जो काम है, जो भी तीर्थ से जुड़े हुए विषय है, आज केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो यहाँ के तीर्थ स्थान के ऊपर जो मुझे बताया गया है, यहाँ पर एक महिमा पट, इसके ऊपर पूरी कथा लिखी होनी चाहिए कि तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है, उसका निर्माण कराया जाएगा। लगभग 74 लाख रुपए उस पर लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर यात्री जो आते हैं उनके वस्त्र बदलने का स्थान, उनके लिए शौचालय, उनके लिए घाट, बेंच, ये सारी व्यवस्था कराई जाएगी। इस पर भी 49 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पार्किंग जो है उसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी, 23 लाख रुपए उस पर खर्चा आएगा। यहाँ का जो रास्ता जोड़ने का, वैसे तो आज मैंने देखा है रास्ता बहुत अच्छा बन गया है, यहाँ का सड़क बनी है, सीमेंटेड सड़क बनी है, फिर भी उसमें कोई कमी होगी उसको भी पूरा कराएंगे। और एक हाई मास्ट सोलर लाइट, रात के समय जिसका उपयोग हो सके ऐसी एक सोलर लाइट का भी व्यवस्था कराएंगे। इस सब का मिलाकर के 1.35 लाख रुपए का खर्च आज इस तीर्थ के लिए ये मंजूर किया जाता है।